में माता जी, ये क्या किया मैंने? मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी इप्सी ने मेरे को पहली बार माँ बोला और मैंने उसे इतनी बुरी तरह डांट दिया, चारी की आंखों में आंसू आ गए थे। माता जी मेरे से ऐसा क्यों करवा रही है? मैं किसी को पता नहीं लगने दे सकती कि मेरी याददाश्त वापस आ गई, क्योंकि मेरे एक फैसले पे बहुत सी जिंदगियां निर्भर करती हैं। अगर यह किसी को पता चल गया मेरी याददाश्त लौट आई है तो सब मेरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अन्य सब में चारी मेरी बच्ची क्यों पिस रही है? मैं उसका दिल क्यों तोड़ रही हूँ? मेरे को उसको इतनी जोर से डांट नहीं लगानी चाहिए थी, तो उसको अपने गले लगा लेना चाहिए था मेरी गुड़िया के मुंह से बात सुन के। आज मेरा अधूरापन पूरा हो गया, मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है, नहीं। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं ना चॉकलेट लेके मेरी गुड़िया के पास जाती हूँ, वहां जाके उससे माफी मांग लूंगी, जोर से गले लगा लूंगी, बोलूंगी जब तक माफ नहीं करेगी ना ऐसे तुझे पकड़े रहूंगी। कैसी बात करे मियां, वो झूठ क्यों बोलेगी डैनी? अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन बेटा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसकी पड़ताल करनी तो जरूरी है ना। हो सकता है टेनी की याददाश्त वापस आ गई हो और वो किसी को बताना ना चाह रही हो, शायद उसे कोई सही फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए हो। अम्मी टेनी झूठ नहीं बोल रही है, क्यों झूठ बोलेगी? आज तक उसने कभी झूठ बोला ही नहीं ना, तो फिर क्यों बोलेगी? अब याद है आपको, आपने और खाला ने उसे वो बच्चे की बात बात की थी, वो उस जवाब को ढूंढने के लिए वो यहाँ तक आ गई। सोचो आप, हाँ मैं मानता हूँ कि वो एक बच्चे की माँ है, लेकिन ये बात उसे पता नहीं थी, याददाश्त नहीं थी ना उसके बाद उसकी पुरानी। काश उस दिन खाला की मनहूस बातों में ना आई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन क्या करूँ मैं, माँ हूँ ना, डर गई थी कि कहीं टेनी का अतीत निकाह के बाद उसे याद आया तो हम क्या करेंगे, और आज वही दिन देखना पड़ रहा है जिसका मुझे डर था। मेरी बात को उससे सुनो, टेनी हमारी जिंदगी में आए उसमें एक दिन का फासला बाकी है, मैं नहीं चाहती कि टेनी हमारे पास हो फिर भी हमसे बहुत दूर हो, इसलिए कुछ भी करके ये मसला साफ होना चाहिए कि उसकी याददाश्त वापस आई है या नहीं। तेरे को भरोसा नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं तेरे को प्रूव करके दिखा दूंगा कि ये सब कल्प है, ठीक है? कर दो ना। कैसे? तू चल मेरे साथ, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि टेनी की याददाश्त वापस आई कि नहीं। इकबाल और अम्मी ऐसे छुप के मुझे क्यों देख रहे हैं? कहीं इन लोगों को मेरे पे शक तो नहीं हो गया? क्या हुआ मामा, क्यों बुलाया मुझे? देखा, सच सामने आ गया, उसने खुद से ही शिता को बुलाया है। मैंने पिनी को कुछ बोलने तो दे। छोटी बेटी क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तूने? हाँ, तेरे पापा ने तेरे को क्या नई पट्टी पढ़ाई है? ये तमाशा खत्म कर और जाके अपने बाप को भी बोल दे कि फालतू का तमाशा करने की जरूरत नहीं है, और मेरा निकाह होने वाला है, किसी की मम्मी मम्मी नहीं हूँ मैं। देख क्या रही है यहाँ पे टुकुर टुकुर, निकल यहाँ से बाहर। क्या है टेनी में? बात का सारा गुस्सा इसने मासूम बच्ची को उतार दिया, पर भाई कोल्ड ड्रिंक वाली ठंडक दे दिल में, देख लिया सब कुछ। मम्मी प्लीज है, इस ये शक वक पे तू ध्यान देना छोड़ दे और निकाह की तैयारी कर। निकाह के साथ साथ बहुत सारे जरूरी काम करने हैं मुझे, और वो पार्थ की माँ को भी फंसा के रखना होगा, नहीं तो भरोसा नहीं कल कौन सा नया खेल खेल जाए वो। या अल्लाह, मैं
बच्ची को दिल बार 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 दुखा रही हूँ। फूटी किस्मत है मेरी। नहीं माँ, आप समझ नहीं रही है। टेनी का जैसा बिहेवियर था, ऐसा लग रहा था उसके मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उन सारे सवालों के जवाब मुझसे मांग रही है। नहीं पार्थ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तू जज्बाती होकर अपने सारे सवालों को टेनी की आंखों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है। टेनी ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कोई भी लड़की करती। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि वो कभी माँ बनी थी। नहीं, मेरा दिल कह रहा है हम जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये बात उससे कही जाता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसे टेनी की आदर्श वापस आ गई और वो ये बात हमसे छुपा रही है। देख पार्थ, टेनी को इस घर में हंसता खेलता देखने की जितनी तेरी चाहत है ना, उतनी मेरी भी है। लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से सच्चाई नहीं बदलेगी। और सच तो ये है कि टेनी को अपनी पुरानी बातें बिल्कुल याद नहीं है। पर माँ, देख बेटा, ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगी और कुछ नहीं। मेरी आखिरी उम्मीद इप्सिता थी। मुझे लगा इप्सिता के मुंह से माँ सुनने के बाद टेनी को सब कुछ याद आ जाएगा। एक माँ अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचानेगी। लेकिन जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दर्द होता है। इसलिए तुझे समझा रही हूँ, ऐसी उम्मीद मत रख जो आगे चल के हमेशा के लिए तेरे दिल में एक डर बन के रह जाए। भूल जा सब कुछ। हमें सच को मान लेना चाहिए कि ना तो टेनी की याददाश्त कभी वापस आएगी और ना ही हमारी टेनी। मैं नीचे जा रही हूं। कल के निकाह की तैयारियों में इकबाल की अम्मी का हाथ बटाने। आज तो मैं इस बार भानुशाली को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उससे पहले कहा था कि एनिवर्सरी के प्लान के बाद टेनी को उसके पास्ट के बारे में याद नहीं दिलाना। दिलाया ना उसने, बताता हूं उसको। ओके बाद वादा किया था ना तूने, वादा किया था कि ये एनिवर्सरी के प्लान के बाद तू टेनी को उसके पास्ट के बारे में परेशान नहीं करेगा। तो फिर क्यों दोबारा कर रहा है? क्यों अपना वादा तोड़ रहा है? वादा तोड़ दिया तो भी मुंह छुपा रहा है, मुंह छुपा रहा है। दुश्मनी की नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी कर नहीं सकता। टेनी को अपने पास के बारे में बार बार याद दिलाना अगर तुम्हें छोड़ा नहीं ना तो याद रखना, दोस्ती जिस शिद्दत से की है ना, दुश्मनी भी वैसे करूंगा। दोस्त बनके तूने प्रॉमिस किया था मुझसे और प्रॉमिस तोड़ दिया। मेरा प्रॉमिस टूटा क्योंकि एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ किसी की खुशी के लिए। और मेरे साथ याद करो मेरे दोस्त, मजबूरी थी मेरे ऐसा करने की। ये जो भी दोस्त है तेरा, अगर बुरा मान गया ना तो दोस्त नहीं, और अच्छा दोस्त होगा तो बुरा नहीं मानेगा। याद रखियो ये बात, बच्चे के लिए कर ले जो मर्जी है। क्या तुम अभी गुस्सा हो? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल गुस्सा नहीं। इकबाल, मेरा इरादा तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ने का नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बस एक रिक्वेस्ट है आते से भाई, ये जो टेस्ट वेस्ट करना ना, ये सब बंद कर दो यार प्लीज। जैसा चल रहा ना वैसा चलने दो, क्या पता अल्लाह की मर्जी होती। उत्तरी देख, सेम रिंग है अपनी। मान लो यार भाई, अपना 100% बाय बाय, कुछ तो रिश्ता है अपना 100%। ये रिंग देख रहे हो, ये रिंग टेनी ने खरीदी थी मेरे लिए और वही सेम है उसने तुम्हारे लिए खरीदी, वो भी तब जब हम मिले भी नहीं थे। एक बाल, एक इंसान 6 साल के बाद ठीक वैसी ही रिंग लेता है।
वो भी किसी और के लिए, तो वो भी तब जब उसकी याददाश्त मिट चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है कि टेनी के मन में आज भी कहीं ना कहीं वो सारी बातें आज भी दबी हुई, बस वो उन्हें याद नहीं कर पाए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे वो सारी बातें याद आ जाए, ताकि कल को अगर उसको बातें याद आती है तो वो तकलीफ से ना गुजरे कि क्या करे, कहाँ जाए, किसका हाथ थामे और किसके साथ छोड़े। कहने का मतलब है कि कल को कभी भी कुछ साल बाद अगर टेनी को लगे कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो वो दो राय पे खड़ी हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कल छोड़, आज आज अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो तुझे नहीं लगता कि वो दो राय पे खड़ी हो जाएगी? क्या तुझे नहीं लगता तब उसको हम दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा? अगर आज उसकी याददाश्त वापस आती है तो उसके लिए फैसला करना आसान होगा। मैं इसलिए कह रहा क्योंकि हमारा निकाह नहीं हुआ। इकबाल, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर उसकी शादी के बाद, शादी कोई बंधन नहीं होता पार्थ, शादी दिल से दिल के रिश्ते को कहते हैं। कोई भी रिश्ता बंधन नहीं होता, रिश्ते तो आजाद होने चाहिए, वो उसी को सच्चा प्यार कहते हैं। कल को अगर निकाह के बाद, शादी के बाद मुझे कहने कहती है कि मुझे जाना है, वो मुझे छोड़ के चले जाएगी तो मैं उसे जाने दूंगा, उसी को प्यार कहते हैं। हाँ मुझे तकलीफ होगी, दर्द बहुत होगा, लेकिन करूंगा मैं यार, क्योंकि प्यार करता हूँ उसे। जो प्यार तुम्हारे दिल में टेनी को लेकर, उसे अपना प्यार कम नजर आ रहा है। ऐसा मत कह मेरे भाई, उन्हें तो कहा था कि प्यार नापा नहीं जा सकता, प्यार खत्म नहीं होता, प्यार अपने आप शुरू या बंद नहीं कर सकते, प्यार प्यार है, उन्हें तो कहा था ना, बस अपना प्यार भी वैसा ही है। आई गई हूँ तो ऐसे नहीं जाऊंगी, अपने बच्चे को गले से लगा के ही जाऊंगी, इंतजार करती हूँ। यार ये बड़ों के चक्कर में ना बेचारी इप्सिता छोटी बच्ची सफर कर रही है बीच में, यार उसको खुश करने के लिए इससे बेहतर घर में और कौन हो सकता है? किसी को तो उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना यार। बेस्ट दोस्ती कर लेता हूँ उसके साथ, बड़ी स्वीट सी है छोटी बच्ची। मैं तो अम्मी के बिना एक दिन नहीं रह जाता, तो ये बेचारी टेनी के साथ रह नहीं पाई। दीक्षिता चलो कोई ना, अपनी कौन सी दुकान खोलनी है, 50 किलो फुर्सत है अपने पास, वेट कर लेता हूँ, आ जाएगी। ये लो इसका बेटा। अंकल आप यहां? इप्सिता तुम इधर हो, कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। इकबाल अंकल से रिफ्रेश करूं? आपकी फेवरेट चॉकलेट है मेरे पास, एक स्माइल तो बनता है। सैड मोमेंट में स्माइल नहीं आती। क्यों? ये तो गलत बात है, स्माइल तो करना चाहिए। जैसे जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग हम जैसे, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वैसे भी छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको हमेशा स्माइल करते रहना। देखो हमेशा स्माइल करते रहे। आपके पास अपनी मम्मी है ना, इसलिए आप स्माइल कर रहे हैं ना। मेरे पास भी अपनी दो दो मम्मी थी, एक मुझे छोड़कर चली गई और एक रियल वाली मम्मी मुझे पहचानती ही नहीं है। सैड सैड फीलिंग तो होगी ना। ये लॉजिक जिसने भी आपको दिया ना, मुझे रत्ते और पसंद नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ये लॉजिक देते क्यों। मुझे भी ना बचपन में यही बोला करते थे।
मेरे अब्बू जी गुजर गए तो सब बोलते थे, ऊपर वाला जिनको भी ज्यादा प्यार करता है वो उन्हें पहले ही ले लेता है। कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं मानना चाहिए। पापा नहीं है, सॉरी, प्लीज डोंट क्राई। मैं रो थोड़ी रहा, लेकिन पहले बहुत रोता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी वजह से अम्मी भी बहुत रोती, और फिर मैंने सोचा कि जो लोग चले गए उनके लिए मैं रो लेता हूँ, और जो लोग यहाँ हैं मेरे साथ, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे लिए कुछ भी करते हैं जैसे मेरी अम्मी, मैं उनके लिए खुश नहीं रह सकता, मैं उनके लिए हंस नहीं सकता। तब मैंने उस दिन डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा स्माइल करता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। वैसे बात तो बहुत अच्छी बताई आपने, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया। चलो इसी बहाने मासी तो सही। फ्रेंड्स? मुझे सोचना होगा, मैं फ्रेंड्स के मामले में बहुत चूजी हूँ। अच्छा ठीक है, कर ही लेते। Yeah, doing a bad. सबका दिल जीतना तो कोई तुझसे सीखे एक बार, कोई रिश्ता नहीं है तेरा इप्सी से, और तू उसे खुशी दे रहा है, और मैं उसकी माँ होकर भी उसका दिल दुखा रही हूँ। मेरी गुड़िया इप्सिता, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। लगता है इकबाल अंकल ने तुमसे भी दोस्ती कर ली है ना? इकबाल अंकल बहुत अच्छे हैं। यार इकबाल, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। तुम्हारी ये जो सबका दिल जीतने वाली क्वालिटी है ना, ये बहुत गलत है। पहले तुमने टेनी का दिल जीत लिया, और अब मेरी बेटी का दिल जीत के क्या उसे भी मुझसे चुराने का राजा है क्या? हमसे कि मुझसे तो मेरे पास आएंगे तो। एक मिनट, तू भाई बहुत तारीफ कर रहे मेरी, तुझे कुछ मांगने तो नहीं वाला कुछ? तुम्हें पता है मैं क्या ही मांगूंगा तुमसे? आज जो तुझे वो मैं नहीं दे सकता, सॉरी यार, इसमें सॉरी हो गई अपनी। टेनी, टेनी को देखा क्या? वो अपने कमरे में नहीं है। क्या? नहीं, वो फिर से तो नहीं घर छोड़ के भाग गया? और दबाव डालो उसके ऊपर, उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए। तुम लोगों से तंग आकर ही वो यहाँ से चली गई है। अब कलेजे को ठंडक पड़ गई आपकी? मम्मी, ऐसे आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते यार, ये गलत बात है यार। टेनी छोटी बच्ची थोड़ी यार, नहीं होगी कहीं घर में, मिल जाएगी यार, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सब मिलकर ढूंढ। हाँ, पूरा फंसी है, किस तरह छुपचे छुपा से अपने कमरे तक पहुंच जा, उसके बाद किसी तरह रात समेट लेना। बात तुम वहां देखो, मैं आगे देखता हूं, मैं पुलिस को भी फोन करता हूं। टेनी बताए हुई थी तू? ये मत बोलना तुम लोगों को लगा कि टेनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल ली। अरे अम्मे, माता जी का हाथ है मेरे ऊपर, इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं हूँ मैं। वो तो थोड़ी सी हवा खाने के चली गई, लोगों ने पागलों की तरह शोर मचा दिया। और ये पागल भानुशाली पारस, इसने तो पुलिस को फोन लगा दिया होगा। अरे मेरा पीछा छोड़ो, मेरे को थोड़ी देर अकेले रहने दिया करो। सुन, मैं क्या कर रहा हूँ? तू तो कुछ बोली मत इकबाल, क्योंकि मेहंदी के बाद दूल्हा दुल्हन से दूर रहते तो तू मेरे से एकदम दूर रह, समझा? मैं तो बस चाह रहा था कि तू ठीक है कि नहीं, बस। हाँ, मेरे को क्या होगा? अरे अच्छी खासी हड्डी कट्टी सोलिड हड्डी छे टेनी, टेनी को कुछ नहीं होगा। तो बस मेरे को थोड़ा चेन लेने दो, दूर रहो मेरे से, जरा थोड़ी देर हवा खाने। तुझे कैसे पता चला हम तुझे ढूंढ रहे थे?